ये इसकी सूचना हमें 8:35 में मिली थी। हमने इनिशियली काफी गाड़ियों का टर्नआउट कराया था, फिर इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया। फिलहाल इसको मीडियम फायर डिक्लेयर किया हुआ है और 25 से ज्यादा गाड़ियां हमारी मौके पर हैं, 100 से ज्यादा स्टाफ हमारा यहां पर अभी कार्य कर रहा है। ये गाड़ी तो चेंज होती रहती है ना, जैसे खाली होती है भर के आ जाती है, तो एक गाड़ी कई बार भर के आती है खाली होती है। 25 से ज्यादा गाड़ियां हैं और कई ब्रांचेस हमने चारों तरफ से आपको घेरा डाला हुआ है और जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। नहीं, नुकसान फायर से तो नुकसान जो है वो अंदर ही है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की हमारे को सूचना नहीं है। सिर्फ हमारे दो स्टाफ को जो कांच टूटने से लगी है, थोड़ा सा हमारा स्टाफ ही इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। नहीं, कोई आशंका नहीं है। बिल्डिंग अभी हमारे लोग हैं ऊपर और बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है, फिर भी पूरी बिल्डिंग आग बुझने के बाद दोबारा से चेक किया जाएगा। हाँ, पहले से कंट्रोल है आग को। देखिए, पहले हमारी प्राथमिकता ये होती है कि आग को फैलने से रोका जाए, फिर उसको अंडर कंट्रोल करके फिर उसको बुझाया जाए। तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।